जय हिंद फ्रेंड्स सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप देख रहे हैं क्या चल रहा है पीसीएस का एग्जाम मतलब लोगों से विश्वास उठता जा रहा है यह कोई आज की न्यूज नहीं है बाय द वे मैं आपको बता दूं लेकिन हां हाँ, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे यह मुद्दा फिर से उछल गया आखिर है क्या कि छत्तीसगढ़ पीसीएस कैम्प जो उनके चेयरमैन थे सोनवानी साहब चेयरमैन के अठारह परिवार चंद और रिश्तेदार जो है उनको अधिकारी बना दिया गया कैसे मुमकिन है मतलब मुमकिन है चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं लेकिन यह मुमकिन कैसे है कि एक ही साथ एक परिवार रिश्तेदार लोगों का सिलेक्शन एक ही पीसीएस एग्जाम में हो जाए यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है और जो मैं शब्द शब्द कह रहा हूं यह सेम चीज चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूछ लिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही परिवारजन और रिश्तेदार में अठारह लोगों का सिलेक्शन एक ही पीसीएस एग्जाम में एक ही स्टेट में हो जाए आपको क्या लगता है यह कैसी न्यूज है चलिए इस न्यूज के बारे में पूरा बताते हैं आखिर हुआ क्या था सो so, यह न्यूज है छत्तीसगढ़ पीसीएस स्कैम के बारे में यह स्कैम जो कि बहुत हाईलाइट नहीं हुआ है यह स्कैम जो कि बहुत लोगों ने जिक्र भी नहीं किया लेकिन आज हमारे इस चैनल के द्वारा मैं जिक्र करना चाहता हूं इस स्कैम के बारे में क्योंकि हम एस्पिरेंट्स का ख्याल रखते हैं हम उनके दर्द को समझते हैं और राज्य जो है मतलब पीसीएस में रिफॉर्म्स चाहिए यार मतलब पीसीएस में रिफॉर्म्स नेसेसरी है जरूरी है बच्चों के मतलब साल कैसे गुजरते हैं पीसीएस एग्जाम देने वालों से पूछो प्रस इस साल मेंस अगले साल इंटरव्यू मतलब तीन साल में तो एक एग्जाम हो रहा है कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं कई बार पेपर लीक हो जाते हैं बच्चों के भविष्य का क्या एक तो बच्चे अगर मान लेते हैं चलिए अगर यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं पीसीएस उनके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बसता है कि अपने राज्य के प्रति कुछ एग्जामिनेशन को क्रैक करें लेकिन वहां उसमें भी वो असफल रह रहे हैं क्यों क्योंकि सरकार जो है वो साथ नहीं दे रही है सरकार के कुछ ऐसे नीचे लोग बैठे हुए हैं जहां पर पेपर लीक कर दे रहे हैं व्हाट्सएप पे पेपर आधे घंटे पहले लीक हो जा रहा है सो so, इस वजह से जो निर्दोष बच्चे हैं जो कि सीरियस बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जा रहा है दो साल उनके एकदम उड़ जा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं इसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं स्टेक होल्डर सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर तो बच्चे हैं जो कि मेंस, मुख्य परीक्षा या प्रीलिम्स जो प्रथम परीक्षा होती है उनको दे रहे होते हैं उनका भविष्य वो अपना पूरा जिंदगी पैसा रुपया सब लगा देते हैं लेकिन इन लोगों की वजह से इनकी वजह से भाई मतलब क्या बताया जा रहा है चलिए इस केस को समझते हैं उससे पहले मुझे पता है आप लोगों को मेंटोरशिप की जरूरत है मुझे पता है आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में नीचे देखिए गूगल फॉर्म है उसको फिल करिए क्योंकि वो है मेंटोरशिप का फॉर्म कॉलेज में अगर आप हैं या फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंटोरशिप की सख्त जरूरत है टू पर्सनल मेंटोरशिप सलाह हमारा होगा सवाल आपका होगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट लेकर आ रहे हो गूगल फॉर्म भरिए और फिर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी चलिए देखते हैं आखिर चीफ जस्टिस ने इतना बड़ा एक्शन क्या लिया है इस बड़े स्कैम के खिलाफ आखिर क्या था यह स्कैम कितने लोग बने ये दिखाते हैं एक न्यूज़पेपर के जरिए यही है चेयरमैन साहब आप सोचिए इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इन्होंने किस तरीके से अगर ये आरोपी हुए अभी तो एलिगेशन लगी हुई है क्योंकि अभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुनवाई की जाए नियुक्तियां बंद की जाए क्योंकि ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दाल में काला है सो अगर ये गलत हुए तो बहुत अन्याय होगा उन बच्चों के साथ सो और तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से ये रिटायर भी हो चुके हैं और

सीजीआई बोले कि भाई बड़ा मामला है शासन का जवाब भी आना चाहिए मैं आपको डिटेल बता देता हूं बैकग्राउंड क्या है उस पर फिर उसके बाद यहां चलता हूं 2021 में पीएससी एग्जामिनेशन भाई पीएससी एग्जामिनेशन हुआ जैसे हर स्टेट पीसीएस होता है वैसे ये भी स्टेट पीसीएस हुआ है 2021 में परीक्षा हुई प्रिलिम्स की दो में मेन्स का रिजल्ट आता है और अब दो में इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आता है लोगों के होश उड़ जाते हैं उसमें यह दिखने को मिलता है कि भाई साहब अठारह लोग जो सोनवानी साहब के रिश्तेदार और साथ में जो सेक्रेटरी हैं उस चेयरमैन जो सेक्रेटरी हैं उनके रिश्तेदार उनके बच्चों का नाम है अठारह लोग हैं वो लोग कौन कौन हैं मैं आपको बताता हूं इसमें ये वाली लिस्ट आप पढ़े हैं आ, 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 यहां पढ़ते हैं ठीक है मैं आपको पढ़ के बताता हूं मुझे बहुत ताज्जुब हुआ मैं पढ़ के बताता हूं आपको आज हुई सुनवाई में कवर के अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में बताया कि ऐसे करीब 18 लोग हैं जिनके चयन को लेकर संदेह है कोर्ट ने इनकी ज्वाइनिंग के बारे में पूछा इस पर बताया गया कि फिलहाल इनकी अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है मतलब कि इन 18 लोगों की अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है जिन लोगों के चयन पर सवाल खड़े किए गए हैं उनमें नितेश साहिल दोनों ही टमन सिंह सोनवानी के बेटे और भतीजे हैं ध्यान में रखिएगा बेटे और भतीजे हैं साहिल आ, इनके अलावा निशा कोसले दीपा अजगले सुनीता जोशी सुविध ध्रुव नेहा खोलगरे निखिल और ये जितने भी लोग हैं लगभग अठारह लोग हैं ये लोग आ, के नाम पर याचिका में शामिल किए गए हैं इनमें से ये जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके भी परिवार के बच्चे हैं तो अब सोचिए कि मिया बीवी का एक ही बार में सिलेक्शन हो गया ऐसा बहुत कम होता है लेकिन यहाँ तो मतलब पूरे, के, पूरे परिवार का ही सिलेक्शन हो गया चीफ जस्टिस ने कहा कि खुद चेयरमैन और सेक्रेटरी के बच्चे चयनित हो गए हैं यह 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 बात अजीब है यह खुद कहा है अन्य अवसरों के रिश्तेदारों का चयन होना एक अलग बात है सीजे ने कहा कि चेयरमैन को पार्टी नहीं बनाया गया है ना एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि संवैधानिक पद होने की वजह से इसे शामिल नहीं किया जाता मतलब कि चेयरमैन को इस याचिका का पार्ट नहीं बनाया गया क्योंकि चेयरमैन एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको हम याचिका में नहीं कर सकते जब तक तथाकथित एकदम कंफर्म नहीं हो जाता मामला तो ठीक है सो बात यही है कि कोर्ट ने इसी स्थिति में आ, आ, स्टेटस को लगाने की बात कही और स्टे लगाने की बात कही मगर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बड़ा मसला है इस पर शासन का जवाब भी आना चाहिए और इसके बाद सुनवाई बीस तारीख को मतलब होगी सो आप समझ सकते हैं क्या मामला है चहेते लोगों को रेवड़िया की तरह नौकरी बांटने का आरोप याचिका में रेवड़ी बातें जाती है भाई भतीजावाद चल रहा है अब सोचिए क्या क्या किया जा सकता है इसमें ये आप देख रहे हैं नीतिश डेप्यूटी कलेक्टर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तमन सिंह सोनवानी के पुत्र के नाम में सोनवानी सरनेम की छुपाया गया छुपाया गया है सोनवानी ठीक है नितेश साहिल डीएसपी हुए हैं निशा कोसले ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तमन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है नितेश की पत्नी निशा है ये डिप्टी कलेक्टर ये डिप्टी कलेक्टर साहिल कौन है भाई इनके भाई के पुत्र हैं साहिल मतलब सोनवानी साहब के भाई के पुत्र उनको डीएसपी मिला है दीपा आ, ये लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री तनमन सिंह सोनवानी के भाई की बहू हैं लो अब इनकी भाई बहू भाई बहू सुनीता जोशी ये भी सोनवानी बहन की पुत्री है बाप रे बाप भाई बहन मतलब सबको सबका बदला ले लिया गया इसमें ये जो मैंने आपको बताया ये वही चीज है कि 2021 में एग्जाम हुआ प्री का 22 में मेंस हुआ और उसके बाद इंटरव्यू इसी साल आया था मेरे ख्याल से मई के आसपास में तो हुआ इनफैक्ट जो तेजस्वी सूर्या है तेजस्वी सूर्य जो बेंगलोर में है उन्होंने एक तरीके से याचिका डाली थी कि भाई छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी अप्रूव बाई बी बीजे, सीबीआई बीजेपी फॉर्म्स गवर्नमेंट ये वादा उन्होंने किया था वहां पे क्वेश्चनिंग द सिलेक्शन ऑफ सम कैंडिडेट बेसिकली so यहां पर क्या दिखाया गया है द गवर्नमेंट ऑफिशियल लीडर्स रूलिंग द कांग्रेस सूर्य ये वो बताया गया है है ना सेवेंथ रैंक आई थी इनके सन की सोनवानी साहब की सो so, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी आपके कॉमेंट की मुझे हम, वो है आ, इंतजार है अगर आपको लगता है कि ये पहला मामला है तो नहीं छत्तीसगढ़ में ये कई सारे मामले आ चुके हैं और लोअर पीसेस के बारे में तो बात ही नहीं करनी है सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं यूपी में भी बिहार में भी राजस्थान में भी हरियाणा में भी ओडिशा में भी हर जगह स्टेट पीसीएस में धांधली होती है यह धांधली को कैसे रोका जाए यह बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के भविष्य के बारे में है बच्चों के नौकरियों के बारे में है तीन तीन साल बर्बाद हो जाना मतलब हालत खराब हो जाती है यार थोड़ा तो सोचा करिए थोड़ा तो सोचा करिए इस इस बड़े कदम को रखने से पहले अगर यह प्रकाशित हो जाता है नहीं भी होता है तो आपकी निष्ठा कहां गई सत्यनिष्ठा कहां गई मोरालिटी कहां गई इंटेग्रिटी कहां गई पीएससी 2021 में जिन 18 लोगों के चयन को लेकर विवाद है उनमें से पीएससी चेयरमैन टमन सिंह सोनवानी के बेटे तो है ही हैं साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो टोटल मुद्दा था ये टोटल मुद्दा आ, ये तो अभी तो खैर है ही 2003 में एक मुद्दा आया था जहां पे हाई कोर्ट आ, चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट से स्टे लगवा दिया था कि कलेक्टर वाला जो पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है एसडीएम वाली उसकी नियुक्ति नहीं होगी उसके बावजूद भी नियुक्तियां हुई लोग डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने और अभी ऊपर सचिव में मतलब सचिवालय में काम भी कर रहे हैं तो मतलब 2003 के केसेस जो हैं वो फर्जीवाड़े के अब तक पेंडिंग है और वो डिप्टी कलेक्टर से आई वाले पोजिशन पे पहुंच चुके हैं लोग उनमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं है वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में धरी की धरी की रह गई है तो हम क्या उम्मीद करें कि अब इस केस में केस में में सुनवाई होगी 2021 वाले ये कमेंट करके आप बता सकते हैं ये मसला कैसा लगा ये देखिए ये अगली लिस्ट भी है नंबर आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह सब कलेक्टर हैं मैं पढ़ू क्या राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खकोला के पुत्र हैं ये निखिल और बस्तर नक्सल ऑपरेशन में आई जी ध्रुव की पुत्री हैं सबके पुत्र पुत्री पुत्र पुत्री दामाद अरे बाप <laughs> मतलब क्या बताएं आगे नहीं मुझसे पढ़ा जा रहा है भाई चलिए उम्मीद यही कर सकते हैं कि कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एक बड़ी दिशा निर्देश शक्त निर्देश सख्त इन पे कठोर कार्रवाई हो सीबीआई जांच भी बैठ सकती है और जो सत्य है वो सामने निकल कर आए हमें भी पता है ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेरिट पे तो नहीं हो सकती है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश जरूर हो सकती है चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो लिया है अभी आज का ही कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया कनाडा से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर ये जरूर पढ़िएगा आप अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंपॉर्टेंट है इंडिया वर्सेस कनाडा का क्या रिलेशन है ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वुमेन्स बिल इन द वर्क अगेन वुमेन बिल क्या है पंचायती राज में पब्लिक पॉलिसी में गवर्नेंस में बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं की क्या भागीदारी है वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो ये सब मैं आपको बताया हूं क्योंकि जीएस वन जी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारी वीडियोज हम अपने वीडियो के यूट्यूब के जरिए आपके तक पहुंचाते आए हैं और भी कोई वीडियो तरीका होगा जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो लेना चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर से एक बार हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सुनवाई हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक नमस्कार जय हिंद जय भारत गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिए